हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? तो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ NCERT का कक्षा जो 7 है उसका, हमारा पर्यावरण जो ये सब्जेक्ट है उसका ये पहला अध्याय है हिंदी मीडियम, जिसका नाम है पर्यावरण। तो चलिए शुरू करते हैं इसको पढ़ना। तो देखिए, लंबी छुट्टियों के बाद, यानी बहुत छुट्टी जो हुई लंबी छुट्टियों के बाद, जब रवि जो है वो स्कूल जा रहा था, तब उसने देखा कि उसके जो स्कूल है उसके निकट यानी उसके पास के जो खेल का मैदान है उसकी खुदाई हो गई थी, और वहीं एक मैदान उनके खेलने के लिए वहाँ पर था। लोगों ने बताया कि वहाँ पे अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी, और जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल व तितलियाँ, एवं जो तितलियाँ हैं, वहाँ विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, और तो उसकी आंखों में आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों यानी क्लासमेट्स को बताई। फिर क्या हुआ? तो सुबह सुबह की जो सभा होती है, जो असेंबली होती है, पर्यावरण ने, जो प्रधानाचार्य हैं, प्रिंसिपल जो हैं, उन्होंने भी बहुत उदासी से कहा कि देखो कैसे हमारा जो पर्यावरण है वो बदल रहा है। तो कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा कि सर, ये पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया, मतलब जो भी कुछ आप अपने आसपास देखते हो वही क्या है, पर्यावरण है। तो रवि कहने लगा कि इसका अर्थ है स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी जो कुर्सियां हैं, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। तो हाँ, शिक्षक ने कहा कि हाँ यही है, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का जो निर्माण है वो प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत हो गया, नदी, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का जो निर्माण है वो मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। तो अब दो दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए, और अपने निकट यानी पास बैठे जो क्लासमेट है, सहपाठी हैं, उसके साथ मिलकर के प्रकृति, जो नेचर है, एवं जो मानव है, ह्यूमन, जो मनुष्य है, उसके द्वारा निर्मित जो वस्तुएं हैं उनकी सूची बनाइए। तो जो रवि है, रवि, परमजीत, जैसी, और जो मुस्तफ़ा है, आशा है, सभी यह सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। मतलब तो इकबाल ने पूछा कि हमारा जो पर्यावरण है वो क्यों बदल रहा है? तो शिक्षक ने उत्तर दिया कि ऐसा हमारी जो ज़रूरतें हैं उनके कारण ऐसा होता है, और ये प्रतिदिन क्या हो रही है, बढ़ती रहती हैं। देखिए, इसमें कुछ टॉपिक लिखे हुए हैं। देखिए, पर्यावरण जो है वो हमारे जीवन का एक मूल आधार है, और यह क्या है, हमारे हमें क्या करता है, सांस लेने के लिए, और हवा, पानी के लिए क्या कर लेता है, पानी के लिए, जल के लिए, खाने के लिए, और भोजन एवं जो रहने के लिए क्या देता है, भूमि प्रदान करता है। मन मानव जो है, मानव इस प्राकृतिक जो पर्यावरण है में कैसे परिवर्तन करता है? कार का जो धुआं होता है वो वायु में, वायु को क्या कर देता है, वो वायु को प्रदूषित करता है, और पानी को जो पात्र हैं उसमें एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है, और भूमि जो है उस पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव जो कार है, मानव क्या करते हैं, कार, मील, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है, और इस प्रकार से जो मानव है वो प्राकृतिक जो पर्यावरण है उसमें परिवर्तन करता है। तो देखो, ये पर्यावरण के कुछ क्या हैं, पर्यावरण के घटक हैं जो मानव निर्मित है यानी मानव ने बनाया है, जैसे कि इमारतें, पुल, ब्रिजेस, सड़क यानी रोड्स, स्मारक जो हैं, उद्योग। प्राकृतिक ने जो बनाया है वो जल, जो जलमंडल का हिस्सा है, वायु, जो वायुमंडल का हिस्सा है, और स्थल, जो स्थलमंडल का हिस्सा है, और सजीव जीव मंडल। पर्यावरण को ने मानव को भी बनाया है, और मानव ने किस किस चीज़ों को, मानव क्या है, एक व्यक्ति हो सकता है, एक परिवार हो सकता है, एक समुदाय हो सकता है, और एक धर्म हो सकता है, एक शैक्षिक स्थान यानी स्कूल हो सकता है, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति, जो पर्यावरण के घटक को शो कराते हैं। आगे हैं, इसलिए हम जो है वो पर्यावरण जो है वातावरण में परिवर्तित करते हैं, और कभी कभी क्या होता है, उसे नष्ट भी कर देते हैं। ऊपर की जो वार्तालाप हैं उससे आप समझ गए होंगे कि हम किसी भी जीवित जो प्राणी होता है उसके चारों ओर पाए जाने वाले जो लोग होते हैं, स्थान, वस्तुएं एवं जो प्रकृति है उसको पर्यावरण कहते हैं, और यह जो प्राकृतिक एवं मानव निर्मित जो घट परिघटनाएं हैं उनका एक मिश्रण है, और प्राकृतिक जो पर्यावरण होता है उसमें
पृथ्वी पर पाए जाने वाली जो जीवी है, लिविंग जो है, और अजीवी जो नॉन लिविंग है, दोनों ही परिस्थितियाँ सम्मिलित हैं, यानी पाए जाते हैं। तो जीवी और अजीवी में क्या फ़र्क है? तो जीवी क्या होते हैं? जीवित प्राणी का संसार है, जैसे पादप यानी प्लांट और जंतु यानी एनिमल। और अजीवी जो है वो निर्जीव पदार्थ है, जैसे संसार का, जैसे स्थल स्थल हो गया। आगे, जबकि जो मानवीय जो पर्यावरण होता है उसमें मानव की परस्पर आपस में जो क्रियाएं होती हैं, उनकी गतिविधियां, जो भी उनकी गतिविधियां होती हैं एवं उनके द्वारा बनाए गए जो रचनाएं होते हैं वो पाई जाती हैं, सम्मिलित इसमें होती हैं। शब्द की उत्पत्ति, पर्यावरण यानी एनवायरमेंट, और ये जो शब्द है उसकी उत्पत्ति फ्रेंच जो शब्द होता है एनवायरनो या फिर एनवायरोनेर जो होता है उससे होती है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। प्राकृतिक पर्यावरण, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जो जीव जंतु है वो मिलकर के प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं, और स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल एवं जो जैव मंडल है उससे आप पहले ही मतलब परिचित हैं, आपको पता होगा। आइए अब हम इनके संबंध जो हैं उनमें कुछ और तथ्य, जो चीज़ें हैं, फैक्ट हैं, उनकी जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी जो है, पृथ्वी की जो ठोस परपटी होती है, ऊपर की जो लेयर होती है वो कठोर ऊपरी परत जो है उसको स्थलमंडल कहते हैं, और यह है जो चट्टानों एवं खनिजों है उनसे बना होता है, एवं जो मिट्टी होती है, मिट्टी की जो पतली परत होती है उससे ढका होता है। यह क्या है? यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न जो स्थलाकृति हैं उन स्थल आकृतियों वाला विषम धरातल होता है, और ये स्थलाकृतियाँ जो हैं वो महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव जो बस्तियां हैं उनकी उनके लिए क्या करता है? भूमि, पशुओं को चराने के लिए घास स्थल प्रदान करता है, और यह क्या है? खनिज संपदा का भी एक स्रोत है, सोर्स है, जो जिससे हम खनिजें मिलते हैं हमें खनिज। तो इसमें दिखाया गया है पर्यावरण के जो क्षेत्र हैं, स्थलमंडल, जैवमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। आगे हैं, आओ कुछ करके देखें। तो आपने क्या करना है? अपने आस पड़ोस के जो स्थल हैं उसको देखना है, और आपके पड़ोस में भूमि का जो उपयोग है वो किस प्रकार हो रहा है उसकी सूची बनानी है, जो कि आपको खुद करना है। आगे है कि अपने घर और स्कूल में आप जो पानी उपयोग करते हैं वह कहाँ से आता है, और हमारे जो दैनिक जीवन होता है उसमें पानी के जो विभिन्न उपयोग हैं उनकी सूची बनाइए, और क्या आप किसी को पानी के विभिन्न उपयोग हैं उनकी सूची बनाइए, और क्या आपने किसी को पानी व्यर्थ करते देखा है? देखा है तो कैसे देखा है? आगे है, आओ कुछ करके देखें। जैसे स्कूल जाते समय आपने आसमान को देखें और ध्यान दें कि जो दिन है वो कैसा है, और वर्षा हो रही है या आसमान में बादल हैं या तेज़ धूप है या फिर कोहरा है इत्यादि। तो हम यहाँ पे थे पर्यावरण के जो स्रोत हैं। आगे क्या है? जल के जो क्षेत्र होते हैं उनको जलमंडल कहते हैं, और यह जो जल होता है वो जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे जो विभिन्न जलाशय हैं उनसे मिलकर बनता है, और यह जो है यह सभी प्राणियों के लिए ज़रूरी आवश्यक होता है। पृथ्वी के चारों ओर फैली जो वायु होती है, वायु की जो पतली परत होती है उसको वायुमंडल कहते हैं, और पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो अपने चारों ओर के जो वायुमंडल है उसको थामे रखता है, और यह जो है सूर्य की झुलसने वाली जो गर्मी होती है एवं हानिकारक जो किरणें होती हैं उससे हमारी रक्षा करता है। और इसमें क्या होते हैं? इसमें कई प्रकार की गैसें होती हैं, धूल कण होते हैं, जलवाष्प होती हैं, उपस्थित होते रहते हैं, और वायुमंडल में जो परिवर्तन है होने से क्या होता है? मौसम एवं जो जलवायु होती है उसमें क्या होता है? परिवर्तन होता है। पादप एवं जंतु, जीव जंतु जो होते हैं वो मिलकर के जैव मंडल या फिर सजीव संसार का निर्माण करते हैं, और यह क्या होता है? पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र होता है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। शब्दावली, पारितंत्र। तो पारितंत्र क्या होता है? ये एक वह क्षेत्र है जिसमें समस्त यानी सारी जो जीवधारी हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? पर्यावरण के उन भौतिक एवं जो रासायनिक कारक होते हैं उनके साथ क्या करते हैं? परस्पर क्रिया करते हैं, और जिसमें वे निवास करते हैं, और ये सब क्या है? ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण जो ट्रांसफर है उसके द्वारा संबंध होता है, मतलब इनका। तो पारितंत्र क्या है?
रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप जो है उसमें जैसी ने आश्चर्य से कहा कि कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, और इससे मुझे अपना जो केरल याद आ गया। और तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे जो खेत हैं, खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर के रहने वाले जो हीरा है उसने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ तो वर्षा नहीं होती, वर्षा ही नहीं होती, और हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर या रेत है वो ही नज़र आते हैं, तो लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं, रवि ने कहा। आओ कुछ करके देखें। कहानी के जो कहानी है उसके बच्चों की तरह आप भी अपने पर्यावरण स्थल या जो है उसका चित्र या फोटो लगाइए। चलिए लगा रखा है बच्चों ने। अब हीरा ने कहा कि ऊँट ऊँट तो मिलेंगे ही, जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली, अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। और रवि हैरत में पड़ गया, क्योंकि विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जो जीव जंतु होते हैं, वो वनस्पति एवं जो लोग होते हैं वहाँ के रहन सहन के तरीके इतने अलग क्यों होते हैं? तो क्या सभी का एक दूसरे के साथ कोई संबंध है? तो बिल्कुल बहुत संबंध है, शिक्षक ने कहा, टीचर ने कहा। सभी पेड़ पौधे जो होते हैं, जीव जंतु जो होते हैं एवं जो मानव है, अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होता है, मतलब उन पर रहता है, और प्राय वे क्या करते हैं, एक दूसरे पर भी आश्रित रहते हैं। और जीवधारी जो हैं उनका आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का जो संबंध होता है वो ही पारितंत्र का निर्माण करता है। और आर्थिक जो अधिक वर्षा वाले जो वन होते हैं, या घास स्थल या फिर रेगिस्तान जो होते हैं, पर्वत, झील या फिर नदी, महासागर एवं छोटे छोटे जो ताल हैं, जो क्या कहते हैं लेक हैं, वो उनका भी एक पारितंत्र हो सकता है। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते थे वह भी एक पारितंत्र बनाया जाता है बना बनाता है था आगे है? क्या आप जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? और शब्दावली में क्या है, वस्तु विनिमय पद्धति, यानी चीज़ों को एक्सचेंज करना। तो यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता। आओ कुछ करके सीखें। अपने पड़ोस के किसी बुजुर्ग व्यक्ति से बात करें और निम्न जानकारी प्राप्त करें कि जब वे आपकी उम्र के थे तब उनके आसपास कैसे पेड़ थे, और उस समय के जो घर हैं उसके अंदर खेले जाने वाले खेल क्या थे, और उस समय उनका पसंदीदा फल क्या था, और गर्मी एवं सर्दी का मौसम में कैसे बिताते थे, और प्राप्त जानकारी को दीवार या बुलेटिन बोर्ड पर प्रदर्शित करें। आगे है मानवीय पर्यावरण। मानव क्या है, अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक आपस में क्रिया करता है, और उसमें अपनी जो भी आवश्यकताएं हैं, जो भी आवश्यकताएं होती हैं उनके अनुसार परिवर्तन करता है। शुरू में जो प्रारंभिक जो मानव है उसने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था, और उनका जो जीवन है वो सरल था एवं आसपास की जो प्रकृति है उससे उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी, और समय के साथ कई जो प्रकार हैं उनकी आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन के लिए कई तरीके क्या करें हाँ कई तरीके सीख लिए, और उसने फसल उगाना, पशु का पालन करना, स्थायी जीवन जीना सीख लिया, और पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न जो है उपजाया गया, मतलब बनाया गया या उगाया गया। वस्तु विनिमय एक पद्धति होती है जिसका विकास हुआ और व्यापार आरंभ हुआ या शुरू हुआ, एवं जो वाणिज्य का है उसका विकास हुआ। जो औद्योगिक क्रांति होती है, उद्योग लगाना, उसके बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया, और परिवहन जो है वो तेज़ी से गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से जो कम्युनिकेशन होते हैं उससे पूरे विश्व में संचार जो है सहज और द्रुत हो गया, मतलब कम्युनिकेशन जो होता है। क्या आप जानते हैं कि आप जो है गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई जो मूँगफलियाँ खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं जो मानसिक पर्यावरण है उसके बीच सही संतुलन होना आवश्यक होता है, और मानव को पर्यावरण के साथ समरसता जो है उससे रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। रवि की जो कक्षा है उसमें मिजोरम की एक लड़की है नूरी, और वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बातें करती रहती है, और खेल का मैदान नष्ट होने के कारण जो रवि है उसकी उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली जो छुट्टियां हैं उसमें अपने घर मिजोरम आने के लिए कहा। तो रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएं वहाँ के भूभाग दृश्य जो हैं, घर हैं, लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाएं।
तो ये चैप्टर क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। तो अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आई तो प्लीज़ कमेंट करें, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वेट करें मेरे नेक्स्ट वीडियो का जो बहुत जल्दी आने वाली है। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।